अशोक से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा निवाई पहुंचे हुए हैं और रंधावा के साथ डोटासरा भी मौजूद है। इसलिए मौजूद है क्योंकि तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि कल प्रियंका गांधी वाड्रा निवाई में होंगी, चुनावी जनसभा दौरे पर होंगी और पहले से तैयारियों को अंतिम स्वरूप देने की पूरी कोशिश की जा रही है। प्रियंका ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ करेंगी, बड़ी खबर आपको टोंक से बता रहे हैं। और कल इसी टोंक के निवाई विधानसभा क्षेत्र में प्रियंका गांधी वाड्रा आएंगी, उसके पहले डोटासरा सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचे हुए हैं जायजा लेने के लिए कि कितने स्टेज पर तैयारियां पहुंच चुकी हैं, अंतिम रूप उन तैयारियों को दिया जा सके। निवाई की विधानसभा में आएंगी और वहां पर ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ करेंगी। बोला तो ये जा रहा है सियासी गलियारों में जो हलचल है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के आने के पीछे महिलाओं के वोटर को एक आकर्षित करने की पूरी कोशिश एक तरह से की जाएगी प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से। और निवाई में कल प्रियंका वाड्रा का दौरा है और इस खबर पर हमारे सहयोगी दौलत जुड़े हुए हैं। दौलत, कल प्रियंका गांधी वाड्रा कई टोंक के निवाई विधानसभा में जो चुनावी जनसभा होनी है उसको किस तरह से सियासी, अगर हम देखें सियासी एंगल उसमें किस तरह से, और अभी वहां पर कितनी तैयारियां हो गई हैं, किस स्टेज पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रियंका गांधी का कल जो दौरा होने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश की राजनीति के लिहाज से, विधानसभा चुनाव के लिहाज से, और पूरी कांग्रेस उसकी तैयारियों को लेकर के जुटी हुई है। गोविंद सिंह डोटासरा और सुखजिंदर सिंह रंधावा अभी वहां पहुंचे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, किस तरह का मंच होगा, लोगों के बैठने की क्या व्यवस्था होगी, वीआईपी लोग कहाँ बैठेंगे, आम जनता कहाँ बैठेगी, तमाम लोगों की व्यवस्थाओं को लेकर के वो पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और अगर आप बात करें सियासी इस पूरे चुनावी रैली की, तो जयपुर से लेकर के कोटा, जो ये नेशनल हाईवे वाली जो पूरी बेल्ट है, करीब 40 सीटों वाला इलाका, पूरी इन सीटों पर प्रभाव इस को लेकर के पड़ने वाला। दरअसल प्रियंका गांधी महिलाओं में काफी मतलब क्रेज है और युवा भी काफी प्रभावित होते हैं उस लिहाज से। और टोंक जिले की 4 जो सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें हैं वो कांग्रेस के पास है, और तीनों सीटें ही सत्ता के साथ हमेशा परिवर्तित हो जाती है। तो जो कांग्रेस सरकार रिपीट की बात करती है, तो कांग्रेस को हर एक एक सीट को जो लगातार बदलती रही है, उन सीटों को वापस कांग्रेस की सरकार में अपना ही विधायक बने, उसको कैसे उसको कन्वर्ट किया जाए, उस लिहाज से एक एक सीट पर कांग्रेस फोकस कर रही है। उसी को अगर लेकर बात करें तो जयपुर समेत हाड़ोती, टोंक, बूंदी, अजमेर के कुछ हिस्सा और इधर यानी कि दोसा और कुछ सीटें, सभी सीटों पर कांग्रेस फिर से अपने विधायक चुनकर किस तरह से लेकर आए, किस तरह से जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट दिए जाए, जो मौजूदा विधायक हैं, जो मौजूदा मंत्री हैं, उनकी क्या रिपोर्ट आई है, उस लिहाज से कांग्रेस से वो पूरी तैयारी विधानसभा चुनाव को लेकर कर रही है और उसी को लेकर के ये प्रियंका गांधी का दौरा जी। और दौलत, कल जो इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया जाएगा, इंदिरा रसोई योजना के तहत क्या चीज होगी, क्योंकि पहले ही इतनी सारी योजनाएं सीएम साहब के द्वारा लॉन्च की गई हैं और कल फिर से एक इंदिरा योजना रसोई योजना की जाएगी, तो इससे पता चल रहा है एक तो नाम से और ऊपर से प्रियंका गांधी इस योजना की शुरुआत करेंगी, तो उसका इफेक्ट भी बहुत ज्यादा बड़ा पड़ने वाला है। बिल्कुल, आधी आबादी महिला को अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी के नाम से है, प्रियंका गांधी में कहा जाता है कि इंदिरा गांधी का अक्स दिखाई देता है, और महिलाओं में मैंने पहले बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए दौलत। तो बड़ी खबर आपको टोंक से बता रहे थे कि टोंक की निवाई विधानसभा क्षेत्र में कल प्रियंका गांधी वाड्रा का आगमन होगा, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगी और योजनाओं का